कानपुर में पुलिस की दबंगई देखने को मिली है, जहां पुलिस ने केडीए के अपर अभियंता और सुपरवाइजर से मारपीट की है। मामला श्यामनगर के दहेली सुजानपुर का है। बताया गया है कि केडीए के अपर अभियंता सैयद कायम अली रिजवी और सुपरवाइजर शैलेन्द्र गौड़ एक निर्माणाधीन मकान का नक्शा देखने गए थे। इसी दौरान निर्माणाधीन मकान के मालिक जयकरण और उनका भाई हरिकरण, जो कि थाना दिबियापुर में सिपाही के पद पर तैनात है, मौके पर आ गए। केडीए के एक्स सीएम मनोज मिश्रा का आरोप है कि हरिकरण ने हमारे कर्मचारियों से पहले अभद्रता की और फिर विरोध करने पर मारपीट भी की, जिसकी शिकायत चकेरी थाने में की गई, लेकिन चकेरी थाना अध्यक्ष आलोक यादव सिपाही का ही पक्ष लेते रहे और कार्रवाई से बचते रहे। हमारी जानकारी में आया, उसके अनुसार हमारे अभियंता श्री रिजवी जी और एक ये कार्मिक शैलेंद्र जी रूटीन के चेकअप पर गए थे और अवैध निर्माण को जब पाया तो वहाँ के अवैध निर्माणकर्ता ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ हमारे डीई और कार्मिक के साथ अभद्रता की, मारपीट की और इवन इस कदर अभद्रता की कि किडनैप करने की कोशिश ले गए, गाड़ी में भर के किडनैप किया और एक तरीके से अपहरण वाला और मारने की धमकी दी। मारने जा रहे थे ऐसा बताया गया कि मारने जा रहे थे, लेकिन लास्ट में उन पर सैनिटी आई और उन्होंने हत्या के स्थान पे मतलब फिर कहीं और ले जाके छोड़ दिया। अब उसकी बाकी तहकीकात होगी। ये प्रथम हरकरण सिंह पुलिस वाला ये जो है आया और हमको गाली देने लगा, वो हमको जो है गाली बकते हुए मोटरसाइकिल में मैं पीछे बैठा हुआ था, इसने मुझे मारा जहाँ पर, तो मैं मोटरसाइकिल से गिर गया। फिर मैं जब खड़ा हुआ था इसने फिर मुझे मारा तो वो शैलेन दौड़ आ गया, वो उसको मारने लगा। तब तक वहाँ पे उन लोगों ने, वो वहीं पे शायद रहता है हमें मालूम नहीं, सब भीड़ जुड़ गई। फिर भीड़ जुड़ने के बाद जो है ये हम दोनों को और लोग आगे मारने लगे।